मसाला ओट्स एक ऐसी रेसिपी है जो किसे पसंद नहीं होगी, इतनी ज्यादा टेस्टी जो लगती है खाने में। लेकिन अगर इसे आप सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसमें आप ये सर्दियों के मौसम में मिलने वाली सीजनल सब्जियां डालकर बना रहे हैं तो नमस्कार, अनुपम गुप्ता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बनाएंगे सफूला मसाला ओट्स ये सारी सब्जियां डालकर, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को कट करके तैयार कर लिया है। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को चटकते ही हम डालेंगे उसमें 1 बारीक कटे हुए हरी मिर्च और उसके तुरंत बाद ही हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज। 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मटर और साथ ही साथ यहाँ पे हम डाल देंगे गाजर, तो 1 छोटा साइज बारीक कटा हुआ गाजर। गाजर मटर को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 1/2 शिमला मिर्च बारीक काट के लिया है। शिमला मिर्च के साथ में हम सभी सब्जियों को करीब 1.5 से 2 मिनट तक और भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और 1/2 छोटे चम्मच से भी कम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। एक बार अच्छे से सारी चीजों को मिला देंगे और उसके बाद इसे हमें ढक के भूनना है। तो इसे हम ढक देते हैं और 1 से 1.5 मिनट बाद इसे हम खोल के चेक कर लेंगे। तो अभी टमाटर वगैरह गला नहीं है तो हम एक बार फिर से और ढक देते हैं इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं, अब इसे हमें ढकना नहीं है और अब यहीं पे हमें डाल देना है मसाला ओट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है सफोला मसाला ओट्स का छोटा पैकेट जो 16 रुपए का आता है, तो हम पूरा पैकेट डाल देंगे इसमें। एक पैकेट में हम सब्जी डालकर अगर बना रहे हैं तो 2 लोगों के लिए पर्याप्त बनता है। और अब इसमें हमें डालना है पानी, तो जो नॉर्मल घर में ग्लास होती है ना पानी पीने वाली, बस उसी ग्लास से हम पानी डालेंगे। तो 1 ग्लास पानी अभी भर के डाला और उसके बाद 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी यहाँ पे हम डाल रहे हैं, यानी लगभग 1.5 ग्लास या 1.5 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट होता है इस छोटे वाले पैकेट के लिए। अभी ये देखने से लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पतला है लेकिन ये जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। और अभी इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट बाद ही इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही पकने के बाद ये कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है तो इसे अभी हमें फिर से ढक के पकाना पड़ेगा। तो हम ढक देते हैं और फिर से 2 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सफोला मसाला ओट्स बनकर तैयार है पूरी तरह से। और सबसे लास्ट में अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर अभी तक आपने कभी भी सफोला मसाला ओट्स नहीं खाया है तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना देरी किए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप मसाला ओट्स चाहते हैं कि बिना तेल का बनाएं तो मेरे चैनल पे इसका भी वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप ओट्स की और दूसरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कई सारे ओट्स की रेसिपी है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की सफोला मसाला ओट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।